डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 6.3 का सम करेंगे। 6th, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये कुछ से नंबर दिए गए हैं स्टूडेंट्स, और जब इनका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो कंप्लीट नहीं निकलेगा। तो हमने ये बताना है कि किस नंबर से इनको डिवाइड किया जाए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेंड, और डिवाइड करने के बाद जो नंबर हमें प्राप्त होगी उसका स्क्वायर रूट भी निकाल लो। तो फिफ्थ सम में क्या था, मल्टीप्लाई था यहाँ डिवाइडेड की जगह, और कोई चेंजिंग नहीं है। अब इसमें आ गया डिवाइडेड, तो इसमें भी फर्स्ट स्टेप वही होगा, पहले जो भी नंबर दी गई है उसके हमने प्राइम फैक्टर करने हैं बाय प्राइम फैक्टर। 252 है, इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से डिविजिबल है, 2 बन जा, 2 जा, 2 6 जा, फिर 2 से है, 2 6 जा, 2 3 जा। अब 2 से नहीं होता, 3 से हो रहा है, 3 2 जा, 3 बन जा, फिर 3 से, 3 7 जा, फिर 7 से, 7 बन जा। 252 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो भी प्राइम फैक्टर है उनके पेयर बनाते हैं। 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, लेकिन 7 का पेयर नहीं बना। तो पेयर नहीं बना तो हम क्या करेंगे, हियर वी सी 7 इज नॉट इन पेयर, सो वी शुड बी डिवाइडेड द गिवन नंबर बाई 7 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसमें मल्टीप्लाई पूछा था तो 7 से हमें मल्टीप्लाई कर देते थे। अब इसमें डिवाइड पूछा तो 7 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 7 इसमें से रिमूव हो जाएगा। तो ये लाइन सभी में लिखनी है। अब हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करो इसको, 252 को 7 से डिवाइड किया, 7 3 जा 21, बचा 4, उतारा 2, 7 6 जा 42। तो हमारे नंबर क्या आ गई, 252 डिवाइड 7 इक्वल टू 36। अब हमने 36 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया, 36 के प्राइम फैक्टर बनाओ, 2 1 जा, 2 8 जा, फिर 2 से, 2 9 जा, फिर 3 से, 3 3 जा, और फिर 3 से, 3 1 जा। तो अभी 36 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब अगला स्टेप, इनके पेयर बनाओ, 36 इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब अगला स्टेप क्या होता है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट का साइन लगा दो। दोनों तरफ स्क्वायर रूट का साइन लगाने से अब क्या होगा, इधर का तो ये साइन यू का यू रहेगा, और इधर क्या होगा, जो भी ये 2 पावर है ये रिमूव हो जाएगी इससे। 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू क्या आ गया, 6। तो स्टूडेंट्स, ये इसका स्क्वायर रूट निकल गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, 2925 इसके प्राइम फैक्टर करेंगे हम पहले। 2 से डिविजिबल नहीं है ये, और 5 से है क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से कर दो पहले। वैसे 5 5 जा 25, बचेंगे 4, उतारोगे 2, 5 8 जा 40, बचेंगे 2, 5 5 जा 25, फिर 5 से हो जाएगा। 5 1 जा 5 5 1 जा 5, बचेंगे 3, उतारोगे 5 5 7 जा 35। अब 5 से नहीं होगा, अब 3 से डिविजिबल,
थ्री से कर दो, थ्री थ्री जा नाइन, बचेंगे टू, उतारोगे सेवन, थ्री नाइन जा 27। अब फिर थ्री से थ्री बन जा, थ्री थ्री जा, और 13 अपने आप में ही प्राइम नंबर है तो अपने आप से ही हो गया। 2925 के प्राइम फैक्टर हो गए 5 × 5 × 3 × 3 × 13। 5 के पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, लेकिन 13 रह गया अनपेयर। तो हम लिखेंगे हियर वी सी 13 इज नॉट इन पेयर, सो वी शुड बी डिवाइडेड द गिवन नंबर बाय 13 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो गिवन नंबर है उसको हमने 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2925 डिवाइड 30 करके दिखा दो, 13 × 2 = 26, बचेंगे 3, उतारे 2, 13 × 2 = 26, बचे 6, उतारे 5, 13 × 5 = 65। तो डिवाइड किया तो क्या आ गया हमारा 225। अब हम क्या करेंगे, 225 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। फाइव से डिवाइड होता है तो फाइव से कर दो, फाइव फोर जा 20, बचेंगे 2, फाइव फाइव जा 25, फिर फाइव से होता है, फाइव नाइन जा 45, फिर थ्री से हो जाएगा, थ्री थ्री जा 9, और फिर थ्री से थ्री बन जा 3। अब 225 = 5 × 5 × 3 × 3, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया। अगला स्टेप क्या होगा, 225 = 5 × 2 × 3 × 2। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट का साइन, 225 का स्क्वायर रूट = 5 × 3 = 15। तो स्टूडेंट्स ये अपना सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया, अब थर्ड पार्ट करते हैं। ये दोबारा लिखेंगे, थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स 396। सबसे पहला स्टेप प्राइम फैक्टर बनाओ इसके, 2 से डिविजिबल है, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 2 × 8 = 16, फिर 2 से है, 2 × 9 = 2। अब 2 से नहीं होता, 3 से हो रहा है तो 3 से करो, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 3, फिर 3 से 3 × 3 = 3, और फिर 11 से 11 × 1 = 11। 396 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 × 2 × 3 × 3 × 11। 2 पेयर में है, 3 पेयर में है, 11 पेयर में नहीं है। तो अब ये स्टेप लिखना है, हियर वी सी 11 इज नॉट इन पेयर, सो वी शुड बी डिवाइडेड द गिवन नंबर बाई 11। तो अब जो गिवन नंबर है उसको हमने 11 से डिवाइड करना है, 396 / 11, 11 × 3 = 33, बचे 6, उतारे 6, 11 × 6 = 66, तो क्या आया 36। अब हम क्या करेंगे, 36 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट करना है। फिर प्राइम फैक्टर 2 × 2 = 8, फिर 2 से 2 × 9 = 9, अब 3 से 3 × 3 = 3, फिर 3 से 3 × 3 = 3। 36 = 2 × 2 × 3 × 3, ये पेयर हो गया, एक पेयर ये हो गया,
36 इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट। आई थिंक ये तो सबको स्टेप याद हो गया होगा अब तक। 36 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6। स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर रूट आ गया 6। अब हमें फोर्थ पार्ट करेंगे। इलेवन इसमें सीरीज कर देते हैं, देखते हैं इसमें क्या आएगा। रॉन्ग पेयर रहेगा, फोर्थ पार्ट है 2645। तो स्टूडेंट्स ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 से कर दो। 5 जा 25, बचा 1, 5 2 जा 10, बचेंगे 4, 5 9 जा 45। अब ये 5 से नहीं हो, 23 से चेक करो, 23 से आई थिंक हो जाएगा। 23 2 जा 46, 52 में से 6 माइनस करोगे तो 6 बचेगा, उतारोगे 9, 23 3 जा 69, फिर 23 से 2645 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23। तो 23 तो यहाँ पेयर में आ गया, सिंगल क्या बच गया 5। तो लिखेंगे हियर वी सी 5 इज नॉट इन पेयर, सो वी शुड बी डिवाइडेड द गिवन नंबर बाय 5। तो गिवन नंबर को अभी हमने 5 से डिवाइड करना है। 2645 डिवाइड 5, और 5 से डिवाइड किया था तो क्या आया था, देखो ये आया था 529। तो 529 आ जाएगा। डिवाइड करके दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। 5 5 जा 25, बचेंगे 1, उतारोगे 4, 5 2 जा 10, बचेंगे 4, उतारोगे 5, 5 9 जा 45। अब हमने 525 का 529 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 529 किससे डिविजिबल है, ओनली 23 से। 23 से करोगे तो 23 आएगा यहाँ भी, फिर 23 से करोगे फिर 1 आ जाएगा, जैसे यहाँ किया था वैसे। 529 इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई 23, 529 इक्वल टू 23 की पावर 2, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट का साइन। 529 इक्वल टू 23, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया। स्टूडेंट्स ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। अभी फिफ्थ पार्ट करेंगे। यहाँ से 5 को इरेज करते हैं, अगले में पता नहीं क्या आएगा। फिफ्थ पार्ट है 2800, 2 से डिविजिबल है, 2 से करो, 2 बन जा 2, 4 जा 0 इंटू, फिर 2 से 27 जा 0 इंटू, फिर 2 से 23 जा 25 जा और फिर 0 आ गई, फिर 2 से 2 बन जा 27 जा 25 जा। अब 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से चेक करो, 3 से भी डिविजिबल नहीं है तो 5 से करो। 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 7 जा और फिर 7 से 7 बन जा 7। तो स्टूडेंट्स 2800 के क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये पेयर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इसमें सिंगल क्या बचा 7। तो लिखेंगे हियर वी सी 7 इज नॉट इन पेयर, सो वी शुड बी डिवाइडेड द गिवन नंबर बाय 7 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब 2800
800 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो लाइन में कर सकते हो, 7 फोर जा 28 होते हैं, 20 यूपीओ साथ में होंगे, 400 आ गया। अब 400 का हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 2 से डिविजिबल है, फिर 2 से डिविजिबल है, 100 आ गया, फिर 2 से करोगे 50 आ गया, फिर 2 से करोगे तो 25 आएगा, फिर 5 से करोगे 5 आएगा, और फिर 5 से करोगे तो 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये आप लोगों को आता होगा करना, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, ये पेयर है, ये पेयर है और ये पेयर। 400 = 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 2, इधर भी स्क्वायर रूट का साइन और इधर भी स्क्वायर रूट का साइन, इधर ऐसे ही रहेगा, इधर होगा 2 × 2 × 5, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। तो स्टूडेंट्स ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब हमें सिक्स्थ पार्ट करेंगे, सिक्स्थ पार्ट है स्टूडेंट्स 1620, 2 से डिविजिबल है, 2 × 8 = 2, 1 × 2 = 0, फिर 2 से होता है 2 × 4 = 2, 0 × 2 = 5। अब 2 से नहीं होता तो 3 से देखो, 3 से होता है, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 3, 5 × 3 = 3, फिर 3 से होता है तो फिर 3 से करो, 3 × 4 = 3, 5 × 3, फिर 3 से होता है 3 × 1 = 3, 5 × 3, फिर 3 से होता है 3, 5 × 3, फिर 5 से होता है 5 × 3। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 1620 के हो गए 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5, ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है और एक 5 रह गया सिंगल। तो अब लिखेंगे हियर वी सी 5 इज नॉट इन पेयर, सो वी शुड बी डिवाइडेड द गिवन नंबर बाय 5 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसको हमें 5 से डिवाइड करेंगे, फाइव थ्री जा 15 बचा 1 उतारा 2, 5 × 2 = 10 बचा 2 उतारा 0, 5 × 4 = 20। अब क्या बच गया, 3 × 24। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, 3 × 24, 2 से डिविजिबल है, 2 × 1 = 2, 6 × 2 = 2, फिर 2 से 2 × 8 = 2, 1 × 2, फिर 3 से 3 × 2 = 3, 7 × 3, फिर 3 से 3, 9 × 3, फिर 3 से 3, 3 × 3 और फिर 3 से 3, 1 × 3। अब 3 × 24 = 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब इनके पेयर, ये पेयर हो गए 3 × 24 = 2 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2। अब इधर भी स्क्वायर रूट का साइन और इधर भी स्क्वायर रूट का साइन, 3 × 24 = 2 × 3 × 3 × 3, 2 × 3 = 6, 6× 3 = 8। स्टूडेंट्स ये अपना 6th सम कंप्लीट हो गया।
बाकी के सम अगले वीडियो में करेंगे।